हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अचिन हाटा। सो गाइस, करना चाहते हो अगर ईआईएस के सिलेबस को कंप्लीट विद ईज, तो करना पड़ेगा आपको स्मार्ट स्टडीज। तो गाइस, ईआईएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 का है। और यस, कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो है बहुत सारे लोगों के लिए काफी टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। यस गाइस, बोला जाता है कि भाई अगर ईआईएस में पास हो गए तो पूरा ग्रुप 2 पास हो जाएगा। कई बच्चों का तो ऐसा भी कहना होता है। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो ईआईएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। विश्वास मानिए दोस्तों, आज अगर मैं टीचिंग करियर में हूं तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। यस, मेरा पहला सब्जेक्ट जो कि मैंने पढ़ाना चालू किया था वो है ITSM। और आपको सच बताऊं तो सिर्फ ITSM की वजह से ही मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। आई वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन लॉ एंड ऑडिट, आई वॉज बेसिकली इंटरेस्टेड इन टीचिंग ITSM। और वहां से मैंने अपने पढ़ाने की नींव जो है या स्टार्टिंग जो है दोस्तों किया था। तो आपको सच बताना चाहता हूं कि EIS बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बात इसकी इंपॉर्टेंस की अब छोड़ते हुए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो हम बात करेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट को अगर हमें क्लियर करना है तो क्या क्या हमें टिप्स फॉलो करनी चाहिए, जिन टिप्स के बदौलत हम बहुत आसानी से सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करना चाहूंगा कि EIS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत मात्र और मात्र आपके पास है 5 चैप्टर्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यह रहेगा कि आपको दिन में 2 बार समय निकालना पड़ेगा EIS को पढ़ने के लिए। 45 मिनट्स के 2 स्लॉट्स निकालने होंगे। एक निकालना होगा आपको लगभग लगभग उठने के 2 से 3 घंटे के आसपास, लाइक 7 o'clock अगर आप उठते हैं तो 10 o'clock के आसपास। अगर आप फॉर एग्जांपल उठते हैं 9 o'clock पे तो 11:30 के आसपास एक 45 मिनट्स का आपको एक स्लॉट बनाना होगा जिसमें आप EIS की पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ इवनिंग आवर्स में आपको 8:30 के आसपास भी एक स्लॉट बनाना होगा जिसमें आप EIS की पढ़ाई करेंगे। EIS की सबसे अच्छी खास बात यह कि 5 चैप्टर्स का लगभग लगभग इक्वल वेटेज होता है। अब स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास है 5 चैप्टर। इसमें ई-कॉमर्स एम-कॉमर्स वाला एक चैप्टर है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस वाला एक चैप्टर है, फिर हमारा कोर बैंकिंग वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट वाला है। इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट काफी बड़ा चैप्टर होता है गाइस। इसके अंतर्गत कंट्रोल्स के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के अंतर्गत जो कंट्रोल्स है उसकी हेडिंग को पकड़ लिया ना, तो ये चैप्टर आपके अंदर है। और विश्वास मानिए, जितने भी मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं कि कंट्रोल्स पूरे उनके दिमाग में, उनके खून में, नस काटोगे तो कंट्रोल्स ही बहने वाले हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ने खुद शूट किया है कंट्रोल्स को, और एट अ स्ट्रेच उन्होंने 20-20 मिनट्स के भी वीडियोस बनाए। दोस्तों, उनसे इंस्पिरेशन लीजिएगा कि कंट्रोल्स कितने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, पहले बात करते हैं अपन पढ़ाई को लेकर के। सबसे पहले आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करिए। ई-कॉमर्स एम-कॉमर्स वाला चैप्टर टू सम एक्सटेंट इजी होता है क्योंकि देखा हुआ सा होता है, तो उस चैप्टर से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आप चैप्टर रख सकते हैं अपना कोर बैंकिंग वाला। यस दोस्तों, कोर बैंकिंग भी काफी इजी चैप्टर्स में काउंट होता है, थोड़ा हम कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद आप बीच में रखिए थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। फिर आप रख सकते हैं अपना फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, और लास्ट में आप रख सकते हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस को मैं लास्ट में इसलिए रखवा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट्स है दोस्तों। एक है हमारा फ्लो चार्ट और एक है हमारा कंसेप्चुअल। अगर फ्लो चार्ट में पकड़ बनती है और फ्लो चार्ट अगर एग्जाम में आता है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। तो एग्जाम में दोनों में से कुछ एक ही आएगा, या तो फ्लो चार्ट आएगा या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और फ्लो चार्ट में से क्योंकि एक आएगा तो थोड़ा सा हम उसे लास्ट में रख रहे हैं। अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी रिस्क अगर हमें हो गया उस चैप्टर को लेकर के, तो एटलीस्ट अगर फ्लो चार्ट में पकड़ होगी तो हम फ्लो चार्ट को ही कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो ऐसा हमारा कुछ वर्कआउट रहेगा। तो पहले आपको कोशिश ये रखनी है कि पहले ई कॉमर्स करना है, देन कोर बैंकिंग करनी है, देन आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट करना है, फिर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग वाला करना है, और उसके बाद लास्ट में आपको ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस करना है। इस तरीके से आप चालू रखेंगे। देखो दोस्तों, EIS को पढ़ने के लिए एक चीज समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत कोई भी केस स्टडी नहीं आएगी, और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आएंगे। आप ICI का मॉड्यूल यूज करते हो, या फिर आप शायद मेरे नोट से पढ़ते हो, या फिर आप शायद किसी और भी नोट से पढ़ते हो, कोई भी टीचर के नोट से, तो उसके अंतर्गत खास बात यह होगी कि हर एक आंसर के पहले आपको हेडिंग्स मिलेंगी। यस, और EIS के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यस, हेडिंग्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने ऊपर का हेडिंग पढ़ लिया और अंदर का जो कंटेंट है
वो समझ लिया, हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन ये याद रखवाना पड़ेगा आपको, ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से याद है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको इसको हेडिंग को लेकर के करनी पड़ती है। और हेडिंग्स को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हेडिंग्स को याद रखने के लिए आप बना सकते हैं नोट्स, रिटन नोट्स। लेकिन रिटन नोट्स बनाने का सर हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे भी रिटन नोट्स बनाएंगे तो भी आप लिख लिख करके याद करने की कोशिश करेंगे। मैं बोलता हूं आप हेडिंग्स के लिए क्या करिए, आप कुछ नहीं, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करिए अपने फोन का, और आप जो भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को या उस कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करिए, और उसकी जो हेडिंग्स है उस हेडिंग्स को अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। आपने कुछ भी पढ़ा, आपने एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा उसको आपने वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, और वॉइस रिकॉर्ड करके अपने फोन पर अच्छे तरीके से रख दिया। फिर जब भी आपको समय मिले, सोते समय, खाना खाते समय, नहाते समय, आपने उसी वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दी दोस्तों, आपकी सुनी हुई, आपकी बोली गई बात आप जरूर सुनेंगे दोस्तों, और आपको उससे याद हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन भी लाइएगा ताकि आपको चीजें याद रह जाए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंदर का होगा आप उसे बहुत लंबी रिकॉर्डिंग ना बनाते हुए थोड़ी सी फास्ट बनाएंगे, जितनी फास्ट होगी उतना आपका ध्यान वहां पर रहेगा और आप फटाफट रिकॉल कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों कि हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और हेडिंग्स याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया तरीका, वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैं बोलूंगा आप मेरे वीडियोस जरूर देखिए, मेरे जो वीडियोस हैं मैं टाइम टू टाइम रिविजनरी वीडियोस ले रहा हूं दोस्तों, रिविजन मैं हर संडे को कराता हूं हर अलग अलग चैप्टर्स का। अभी तक के मैंने चैप्टर्स करा चुका है दोस्तों, ई कॉमर्स एम कॉमर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कॉम्पोनेंट, इन दोनों के पब्लिकली अवेलेबल है यूट्यूब पे लेक्चर्स, जिसको मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बहुत जल्दी मैं आपका फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, कोर बैंकिंग, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, इनका भी बहुत जल्दी रिविजन लेने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे और समवॉट। तो आप वो जरूर लाइव में भी अटेंड करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए जहां पे मैं अपडेशन डालता हूं, तो आप उसको जरूर देखिए दोस्तों, आपका वहां पर पे भी रिवीजन होता जाएगा। ईआईएस का एक ही काम है दोस्तों, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। तो अपन ने मॉर्निंग का भी 45 मिनट्स डाल दिया, इवनिंग में भी 45 मिनट्स डाल दिया, इन दोनों टाइम पर अपन बहुत अच्छे से हेडिंग्स को भी याद करेंगे और प्लस साथ ही साथ कंटेंट को भी याद करेंगे, ताकि आपके ऊपर एकदम से स्ट्रेस लेवल ना आए। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि केस स्टडी फॉर्म में आएगा और जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बाहर से आ सकता है, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना होगा। आंसर इज नो, जितना भी कंसेप्ट आपकी किताब में दिया हुआ बस वही कंसेप्ट जो है कॉपी पेस्ट आएगा। और हां एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो किसमें, केस स्टडी फॉर्मेट पे, लेकिन लास्ट लाइन जो है ना वही बता देगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। सर एग्जांपल दीजिए ना, आइए दोस्तों मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं आरटीपी, आप देख सकते हैं दोस्तों आरटीपी। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि हमारे ईआईएस एसएम में एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू के कारण नो डाउट हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए एमसीक्यू की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन आइए मेन बात करते हैं दोस्तों, दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। अब देखिए ना दोस्तों, आपके सामने यहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इतना बड़ा इन्होंने जमाने भर की बातें लिखी है, ये सब कुछ लिखा है। मैं बोलता हूं इतना सब कुछ देखने का नहीं, डायरेक्टली लास्ट में पढ़ने का, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम फ्रेमवर्क, खत्म। उन्होंने डायरेक्टली यही बोला, ईआरएम फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स बता दो। तो भाई ईआरएम फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स के आपको लास्ट के क्या पता होने चाहिए दोस्तों, पॉइंट्स पता होने चाहिए। और जैसे ही आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है आप ईआरएम फ्रेमवर्क का आसानी से क्या दे सकते हैं दोस्तों, आंसर। तो बस अगर आपने पॉइंट्स लिख दिया ना गाइस, तो भी ये काफी अच्छे तरीके से, पॉइंट्स मतलब अंदर का आपको कंटेंट भी लिखना होगा। जैसे ईआरएम फ्रेमवर्क्स में आता क्या क्या है, तो दोस्तों इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, ऑब्जेक्ट सेटिंग आता है, रिस्क रिस्पांस आता है, रिस्क असेसमेंट आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आता है, मॉनिटरिंग आता है। अब आपने हर एक चीज के लिए बहुत अच्छे से अगर पॉइंट्स लिख दिए, और उसके बाद पास के अगर आपने आंसर्स को लिख दिया या फिर उसके कंटेंट को लिख दिया, आपका आंसर तैयार है, तो बहुत इजीली होता है। आइए दोस्तों मैं आपको और क्वेश्चन से मिलवाता हूं, आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, फ्लो चार्ट हो गया। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट्स जो है, इसके वीडियोस भी अगर आपको चाहिए हो तो मेरे ऐप पे अवेलेबल है दोस्तों। ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है एक और, अब आप यहां पर देखिए फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा, इतना जमाने भर का बातचीत कर रहा है, अब मीडियम साइज एंटरप्राइज एबीसी लिमिटेड वॉन्ट्स टू अक्वायर, इससे अच्छा भाई नीचे दिया हुआ बस लास्ट लाइन पढ़ो। हाँ लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है भाई, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ऑन वेरियस पैरामीटर दैट वुड हेल्प एबीसी कंपनी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बोला है। तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं दोस्तों, तो इंस्टॉलेशन एंड होता है, मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है, डेटा स्टोरेज होता है, डेटा सिक्योरिटी होता है, परफॉर्मेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। आपको यही तो बताना है बस, आपने ये पॉइंट्स अगर बता दिए और अंदर का मसाला लिख दिया, और मसाले में आपको बहुत ज्यादा टेक्निक
टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, यही टेक्निकल वर्ड्स हो गए, बस ये आपने लिख दिया, आपका आंसर चुटकियों में तैयार है दोस्तों। आगे देखिए ना, आगे अगर चैप्टर थ्री में अगर अपन जाए, यहां पर क्या लिखा है, शेयर एंड केयर इज अ मल्टीनेशनल एफएमजी कंपनी, वेरियस ब्रांचेस, डिफरेंट सिटीज, जमाने भर की बातें, बस लास्ट आप पढ़िए, लास्ट क्या बोला, लास्ट बोला भैया इलैबोरेट द बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। पूछ रहे भाई डेटा वेयर हाउस के क्या क्या दोस्तों क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, तो बेनिफिट्स आपको पता ही होगा दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड व्यू देता है, वन ट्रुथ का मतलब सेंट्रलाइज व्यू देता है, उसके अलावा सारा डेटा यहीं पर ही कलेक्ट होता है, एक साथ आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, कंबाइन करके एक नया प्रकार का इंफॉर्मेशन एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट होती है वो एक अलग ही तरीके का आपको वन वर्जन ऑफ ट्रुथ बताती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट वाइज नहीं था, लेकिन अगर आपने इसकी हेडिंग्स खुद बना ली, जब आप अपने ICI के मॉड्यूल में देखेंगे तो इसकी कोई हेडिंग्स नहीं दी है, लेकिन जो जो हेडिंग्स मैंने बोली, अगर आपने वो हेडिंग्स बना करके इसके अंदर का मसाला जमा दिया, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, और वो कंसेप्चुअल आपको मेरे रिवीजन लेक्चर से आराम से आ जाएगी, तो अगर आपने वो भी कर लिया, मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। तो अपने EIS का जो डर है ना, जो फितूर है, अपने दिमाग से निकालो, 40-40 मिनट्स दो टाइम देना चालू करो, अच्छे समय पर पढ़ाई करना चालू करिए, क्योंकि रीजन ये कि अगर आप दोपहर को खाना खाने के आसपास करेंगे या रात को बहुत लेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और 40 ही मिनट पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन एक्टिवली पढ़ो। और यस, वॉइस रिकॉर्डिंग करना मत भूलना, मेरे वीडियोस को देखना मत भूलना। एंड यस गाइस, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे वीडियोस भेजे, मेरे वर्चुअल पेन ड्राइव के, मेरे वर्चुअल क्लासेस के स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे भेजा है वीडियोस, उन्होंने कंट्रोल्स का रिवीजन करा करके खुद ही, दोस्तों मैंने वो सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, प्लीज दोस्तों उन वीडियोस को देखिए। अगर आपके फ्रेंड्स इतना अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एंड प्लीज उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिएगा उन वीडियो को, दैट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद EIS का डर खत्म हो गया होगा। अगर आपको EIS से रिलेटेड कोई और क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो गाइस, आई एम देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।